आइए फ्रेंड, आज हम डस्टर का की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये BCM लगा हुआ है, इसको निकालेंगे। ये फर्स्ट सॉकेट और ये सेकंड सॉकेट, इसको निकालेंगे अच्छे आराम से। ये निकल गया हमारा BCM, ये देखिए। और इस खोलने के बाद ये IC, इसको इससे रीड पिन कोड करना है। तो देखिए ये है IC, इसको जैसे ही रखी है वैसे ही निकालेंगे, दोनों साथ में रखेंगे। देखिए देखिए वाइट सॉकेट दोनों ऊपर और सीधा उठा के लगाएंगे। ये IC, इसको सीधा उठा के सीधा लगाएंगे बिल्कुल, ये देखिए। तो चलिए करते हैं इसको हीट। ये हीटिंग मशीन से सीधा सीधा डायरेक्ट इसको उठाएंगे। ये उठाया और ये डायरेक्ट सीधा जैसे उठाया वैसे ही इसको सोल्ड कर देंगे। ये सोल्ड कर दिया इसको, और इसको बड़े अच्छे तरीके से सोल्ड करना होता ना, रॉन्ग पासवर्ड निकलता है फिर हमारा काम नहीं होगा। ये देखिए, और इसको बड़े अच्छे तरीके से सोल्ड करना होता है ताकि सही पासवर्ड निकले। और फिर इसको हम साफ करेंगे, सोल्ड करने के बाद इसको साफ करेंगे ताकि कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। ये देखिए ये साफ कर रहे हैं, केमिकल से साफ कर देंगे। साफ कर दिया, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी IC सोल्ड हो गई। अब हम DP5 में लगाएंगे इसको। ये हमारा DP5 में सबसे पहले देंगे 12 वोल्ट सप्लाई, जो इसके साथ चार्जर आता है, उससे हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो। ये हमारा DP5 ऑन हो गया, ये देखिए। और ये हमारा EEPROM, ये प्रोग्रामर में सबसे पहले कनेक्ट करेंगे प्रोग्रामर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स कनेक्ट करते हैं। ये हमने प्रोग्रामर कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए, ये इसमें ब्लू लाइट आ गई। अब EEPROM को प्रोग्रामर से कनेक्ट करेंगे, ये इसको कनेक्ट कर दिया। अब चलते हैं DP5 की तरफ। चलिए चलते हैं, एग्री। और ये हमारी 46 अनलॉक रिमोट चिप, चलते निकालते हैं कोड। इसको कोड निकालने के लिए हम सर्वर कनेक्ट कर लेंगे। हॉल में जाएंगे, रिमोट रिनोल्ट में जाएंगे, न्यू वर्जन अपडेट वाइकल, अब जाएंगे हम रीड पिन कोड में, रीड पिन कोड करेंगे, एंटर पिन कोड। अब जाएंगे डस्टर में, दिस सर्वर कनेक्ट, और ये सर्वर से हमारा कोड निकलेगा। ये हमने पहले से फाइल सेव की थी, लेकिन ये फाइल सेव नहीं हुई थी, तो ये कोड निकला है, इसकी एक पिक ले लेंगे। चलते वापस सोल्ड करेंगे, वापस EEPROM से निकाल के IC वापस लगाएंगे BCM में। ये BCM में वापस IC को सोल्डिंग करेंगे, और ये बढ़िया तरीके से करनी होगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी IC सोल्डिंग हो गई है। ये देखिए, इसको वापस सही कर देंगे। चलिए फ्रेंड, इसको पैक करते हैं अब हम, और वापस कार में लगाते हैं। ये कार में आ गए वापस, और ये दोनों सॉकेट वापस लगाएंगे, दोनों सॉकेट्स अच्छे तरीके से
सॉकेट को लगाएंगे, ये देखिए ये सॉकेट लगाया, इसका क्लिप ऊपर करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा वो, ये हो गया लॉक। और ये वाइट सॉकेट्स, ये वाइट सॉकेट्स लगा दिया, अब हमारा ये कंप्लीट। तो फ्रेंड्स चलिए इसका DP5 कनेक्ट करते हैं, ये डिक्की के अंदर होता है इसका सॉकेट, और इसको हम अपना OBD स्टार की केबल लगाएंगे। ये हमने लगाई केबल, ये चलिए चलते हैं DP5 की तरफ। DP5 में जाएंगे, रेनॉल्ट में जाएंगे, न्यू वर्जन, व्हीकल अपडेट, अब जाएंगे सिलेक्ट मॉडल, रेनॉल्ट में जाएंगे, अब जाएंगे डस्टर में, ये डस्टर आ गया, डस्टर में 2010 और 14 में करेंगे, की प्रोग्रामिंग इग्निशन ऑफ है हमारा, एंटर करेंगे, इग्निशन ऑफ पे एंटर करना है, कम्युनिकेटिंग, ये आ गया हमारा फाइल जो हमने सेव किया था, लेकिन इसमें हमारा कोड सेव नहीं हुआ था, हमने पिक ले लिया था, ये देखिए ये जीरो, ये देखिए रीड पिन कोड फील्ड बता रहा है, लेकिन हमने पिक ले लिया था। अब जो पिक ले लिया था उसको हम यहाँ पिन कोड को डालेंगे, क्योंकि हमारी फाइल सेव तो हुई नहीं थी, इसलिए ये देखिए ये हमारा जो भी कोड है उसको हम एंटर कर देंगे। ये हमारा कोड डल गया, अब हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये कह रहा है इनसेट की टर्न ऑन इग्निशन, जो हमें चाबी बनानी है उससे हम इग्निशन ऑन कर देंगे। कम्युनिकेटिंग, ये हमारी प्रोग्राम हुई सक्सेस, इग्निशन ऑफ करेंगे। कम्युनिकेटिंग हो रही है, और ये हमारी की प्रोग्रामिंग सक्सेस हो गई।